अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो लड़के। मुबारक हो भाई। खैर मुबारक भाई हो। अरे यार इसकी क्या जरूरत थी यार। खैर है, वापस दे दे, हम लोग खा लेते। हाँ सही है, लेके आयो ना, अभी खानी पड़ेगी। कौन सी लाए हो वैसे भाई? ग्रैंड ट्रीट कब दे रहे हैं आप? हाँ हाँ दे दूंगा ग्रैंड ट्रीट, आ जाओ अंदर आओ। माशाल्लाह यार जबरदस्त राइड है ना। आओ तुम लोगों को फ्लैट का टूर देता हूँ। भाभी अबे वो अपनी अम्मी के रुकने गई हुई है, चिल सीन है आज। आओ ड्राइंग रूम से शुरू करता हूँ। ये ड्राइंग रूम, इसकी थीम पूरी वुडन रखी है, फ्लोरिंग वगैरह सब लकड़ी है। यार ये पेंटिंग तो बहुत टाइट है, कहाँ से ली? जानी ऑन डिमांड बनवाई है। बाकी भाई ये ओपन किचन बनाया पूरा बेहतरीन, पूरे घर की ना मेन थीम वाइट रखी है। ये मास्टर बेडरूम आ गया भाई का, ये किड्स रूम बनाया है, ये छोटा सा टेरेस टाइप कन्वर्ट किया है, और ये लाउंज एरिया। यार वैसे बहुत टाइट बनाया तूने, 2 महीने पहले गाड़ी अब घर, सही 100 की स्पीड पे जा रहा है तू। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक्स जानी, बस यार अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना कम है, करम है मालिक का। मैं तो बस कोशिश और मेहनत ही कर सकता हूँ। आखिर तू अकेला मेहनत और कोशिश नहीं करता भाई, और लोग भी करते। ये मिनी एलईडी है ना मत? यस ब्रो। रिव्यू दे यार, क्या सीन है? मैं भी लेने का सोच रहा हूँ। भाई आंखें बंद करके ले ले, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, और अभी तो मैंने PS5 ऑर्डर किया हुआ है, यहाँ पे लगाएंगे फुल गेमिंग सेटअप ऑन हो जाएगा। यार अम्मद ये काउच कितने का लिया तुमने? असल में मुझे भी अपने घर के लिए लेना है इसलिए पूछ रहा हूँ। यार ये मुझे पड़ा था 80,000 का। 80,000 का? वे इतना महंगा? ब्रांडेड है क्या? हाँ ब्रांडेड है। सही लुड़िया भाई है, मुझे बता देता 30,000 में सेम चीज़ बनवाया था। असल में अकेले के लिए काम कर लेते ना, मशवरा लेते नहीं, पूछ लेते यार। चल खैर है यार, अब तो ले लिया ना, खैर होती है। सॉरी भाई यार, चाय वगैरह कोई सीन नहीं आज, एज आई टोल्ड यू बेगम गई हुई है तो। आज तो पीनी तेरे हाथ की थी हमें भाई, चल जा बेटा शाबाश, चाय बना। अच्छा बना देता हूँ, ये ले भाई, तू जब तक टीवी देख के रिव्यू वगैरह ले ले। उसने बोला था। हो गया भाइयों, सैटरडे को खाने का सीन डन है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अबे तू पागल है क्या? फजूल की टॉन्टिंग कर रहा था। टॉन्ट? मैंने कब तंज मारा भाई? वो मेहनत वाली बात पर, और सोफे में कीड़े निकाल रहा था। हाँ तो तुमने देखा नहीं कितना शो ऑफ कर रहा था, 80,000 का लिया है मैंने। तो भाई तूने ही तो पूछा था कितने का लिया है। अबे रहने दे भाई, तू मान ले वो बदल गया है, थोड़े तो भारी हो गए उसके, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, ऑन डिमांड पेंटिंग। अबे पैसा आता ही ना हर कोई आर्टिस्ट बन जाता है भाई। यार तू कुछ ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, वो तो खुशी से अपनी चीज़ें बता रहा था, और भाई जब कोई चौड़ा होता है ना तो अलग ही पता लग जाता है। और यार हमारे तो बचपन से अपने घर हैं, वो तो कब से रेंट पे रह रहा था, अब जाके अपना घर लिया है उसने। तू छोड़ भाई, मुझे पता है तेरे बहुत सारे काम निकलते हैं तभी उसके उठाता है। खैर भाई मैं साफ दिल का बंदा हूँ, जो होता है ना वही बोलता हूँ। ओ भाई कैसा है ब्रो? ठीक ठाक, तू सुना? यार तेरी गाड़ी चाहिए आज, खाला की फैमिली आ रही है तो एयरपोर्ट पिक करने जाना है। अबे यार कल बता देता तू मुझे, आज सुबह ही गाड़ी वर्कशॉप गई है। पता था कोई ना कोई टोपी होगी। खैर छोड़ तू, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूंगा। ओ भाई टोपी नहीं करा रहा यार सच में। हेलो हाँ भाई, सही हो गई तुम्हारी गाड़ी? हाँ भाई हो गई, ये देख ले, टायर भी चेंज कराएं, यकीन आ गया वर्कशॉप ही गई थी, वरना मैं क्यों मना करता? जैसे तुमने लास्ट टाइम मना किया था वैसे ही। भाईजान लास्ट टाइम ना आपने डेट पे जाने के लिए मांगी थी और 2 दिन बाद वापसी का कहा था। हाँ तो क्या हुआ, याद कर, मेरी शर्ट 2-2 महीने रखता था तू अपने पास। शर्ट कहाँ से आ गई बीच में? ऐसे आ गई कि हमने शुरू से दोस्ती निभाई है, तुम्हारी तरह रंग नहीं बदला मैंने। अबे जा भाई दिमाग नहीं खराब कर, तेरे तंज और नखरे देख देख के ना मैं थक गया हूँ। अबे काशान छोड़ ना यार। फैसल तू चुप हो जा बिल्कुल, और बेटा ये एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना, थक गया हूँ मैं। बेटा तुझसे बड़े बड़े देखे हैं, तू तो कुछ भी नहीं है। अभी जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है पैसे आए। बेटा याद कर, एक ही बस स्टॉप से W18 पकड़ कर जाते थे, अब तुम्हारे शशके ही नहीं खत्म होते। ये ऑर्डर पे पेंटिंग, 120 आर्ट का डिस्प्ले, 80,000 का सोफा, बेटा इन सब चीज़ों से ना इंसान की फितरत नहीं बदलती। फैसल भाई हमने भी सेम इंजीनियरिंग की है, ये कोई अनोखा नहीं आया, ये सब किस्मत और नसीब का खेल है और कुछ नहीं। बेटा अल्लाह को ना गुरूर नहीं पसंद, बस इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए।
हो गया तेरा, कुछ और भी है तो वो भी बोल दे। देख भाई, मैं तेरा मसला समझ गया हूँ। अब जो मैं बोलूँगा ना, वो दिल दिमाग सब कुछ खोल के सुकून से सुनना और समझना। देख भाई, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ या मैं कोई अलग से कोई ऐसा काम करता हूँ जो किसी और को नहीं आता। लेकिन मैं तुझे इतना बता सकता हूँ कि मैं ऐसा क्या नहीं करता। मैं कभी दूसरे की चीज़ पर नज़र नहीं रखता, किसी से जेलस नहीं होता, हसद नहीं करता, अपने काम से काम रखता हूँ और अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए फोकस करता हूँ। शायद यही वजह है कि अल्लाह ने मुझे इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा नवाजा है। और भाई, तू हम तीनों में ना सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, ये बात तो शुरू से फैसल भी मानता है और मैं भी मानता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है, उस दिन मैं ये सारी बातें इसको समझा रहा था। लेकिन तेरा शुरू से ये मसला है कि तू दूसरों की टोह में लगा रहता है और हसद करता है। तुझे मेरी बातें भी बहुत कड़वी तो लग रही होंगी और तू दिल में सोच रहा होगा कि ये देखो वापस शुरू हो गया चौड़ा। लेकिन मैं तुझे ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई और नहीं बताएगा। हसद और तुझसे? देख, सिर्फ ये नहीं कह रहा, मैं भी कह रहा हूँ। और हसद सिर्फ हम्माद से नहीं, शुरू से ये चीज़ तेरे अंदर है। अब दोनों कह रहे हैं तो मान ले, बेटा बचपन से तेरे साथ हूँ, इतना तो मुझे भी पता है। और कोई बात गलत नहीं बोली इसने, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीख और दूसरों की खुशी में खुश हुआ कर। हाँ सही है, हो सकता है मेरे भी कुछ मसले हो, लेकिन हर इंसान परफेक्ट नहीं होता भाई। एग्जैक्टली, ना तू परफेक्ट है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना फैसल परफेक्ट है। बस नीयत और दिल साफ होना चाहिए, कामयाबी खुद आती है। एक तो पैसा आते ही ना हर कोई लाइफ कोच बन जाता है। अबे भाई बस कर दे यार। हाँ कर दिया बस, बात बुरी लगी हो तो भाई सॉरी। यार है, बुरी लगी भी है तो मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। और ये छोटे मोटे फड्डे तो भाई दोस्ती के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन भाई, इस कमीने ने जो लास्ट टाइम डेट पे मुझे गाड़ी नहीं दी ना, वो गलत किया भाई, मान ले। हाँ यार अम्मा, ये कमीना बनता है यार तेरा। मैं भाई, ये ले भाई, तू चाबी रख, गाड़ी तू रख ले, आज से तेरी हो गई ये गाड़ी। बात भाई, ओवर एक्टिंग मत करो, रखो। अबे बस कर दो यार, भूख से फट रही है अब। अच्छा ना चल रहे हैं यार। वैसे कशान, ये फ्लैट लिया है ना मैंने, ये लोन लेके लिया है। हैं? अच्छा, वाह साई, ये तो हमें भी नहीं पता, बताया नहीं तुमने। यार बताना तो नहीं था मैंने भी, लेकिन अभी लेक्चर देते देते मुझे खुद एहसास हुआ कि मुझे भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। चल खैर है यार, रेंट से तो निकल गया ना, अब लोन भी उतर जाएगा ऐसा ऐसा इंशाल्लाह। कम से कम पैसे अपनी चीज़ में तो लगेंगे। हाँ एग्जैक्टली भाई, यही मकसद था कि रेंट से निकल के अपनी चीज़ में पैसे लगाएं। चलो यार बैठो, आओ चलो, तुम लोगों को ट्रीट दूँ मैं आज। क्या लगता है, ये वीडियो चलेगी? नहीं वे, मुश्किल है, फनी नहीं थी ना। चलेगी भाई, फनी नहीं थी लेकिन रियल थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की सेम स्टोरी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लोग मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। और हमने सब खोल गाल के